आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और नई नई कंपनी भी आती जा रही है, पुरानी कंपनी भी खैर आ ही रही है। जैसे हीरो मोटोकॉर्प आई है, अब इतना अपना वीडा लेके आई है, टीवीएस भी आ चुकी है, बजाज भी आ चुकी है। तो खैर उसकी बात रहने देते हैं। तो मैं बात करता हूँ नई कंपनी की, जो एक्चुअली पुरानी कंपनी है। पुरानी कंपनी ही अब इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में उतरने वाली, जो कि है महिंद्रा। इसने अनाउंसमेंट की है कि वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पे काम कर रही है और जल्दी लॉन्च करेगी, जो कि महिंद्रा कंपनी है, जो स्कॉर्पियो वगैरह बनाती है ना, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार, उसकी बात करूँगा। तो अगर आप लोग जानना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली है और क्या क्या मिलने वाला है उसके अंदर, तो ये वीडियो देखना एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि क्या क्या मिल सकता है उसके अंदर और कब तक लॉन्च हो सकता है और स्कूटर का नाम क्या है। तो अगर आप लोग जानना है कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम क्या है और क्या क्या मिलेगा और कब तक आएगा, देख लेना ध्यान से। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको अपनी स्क्रीन का वो लाल बटन दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे जाओगे ना एक लाल बटन होगा, उसके बस ऐसे दबा देना, बाकी काम आपका ख़त्म। बाकी इन्फॉर्मेशन देना काम डेली मेरा, ठीक है? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो भी बिना किसी डेडिकेशन के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिंद्रा कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली है, तो उसका नाम होगा पुजोट किस्बी। ये हर बंदा अलग कह सकता है क्योंकि ये काफ़ी अटपटा नाम है। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट में पहले से कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करती है। हाल ही के दिनों में इसको इंडिया में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। पुजोट किस्बी इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्लोबल मॉडल 1.6 किलोवाट 48 वॉट लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है, जो कि डिटैचेबल होता है। और मैं आपको बता दूं, इस बैटरी के साथ, मतलब 48 वोल्ट की बैटरी के साथ, इसकी जो रेंज है वो 42 किलोमीटर तक की है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर तक की है। और अगर फीचर की बात की जाए तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में जो टेस्ट किया जा रहा है मॉडल, उसमें कुछ नए पावर ट्रेन को लाया जा सकता है। वहीं महिंद्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर की मार्केट में मौजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर से कंपेयर किया जाए तो उसका जो कंपेरिजन है वो बॉम्ब इन्फिनिटी E1 से किया जा रहा है। और अगर इस स्कूटर में मिलने वाले फीचर को कंपेयर किया जाए तो इसके फीचर का कंपेरिजन है वो A350X से किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही हाईटेक है। ये स्कूटर एक ट्यूबलेस स्टील चेसिस के साथ आता है, जिसमें बेहतर ग्रिप के लिए टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक और हाइड्रोलिक रियर शॉक अब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 14 इंच के पहिए मिलेंगे। फिलहाल इंडियन मार्केट में इसकी टेस्टिंग जारी है, उम्मीद की जा रही है कि 2023 के एंड तक इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है। तो अभी तो देखने वाली बात है कि महिंद्रा कंपनी कब वो इन्फॉर्मेशन निकालेगी इसकी रिगार्डिंग, क्योंकि जब से महिंद्रा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया तब से सब लोग काफ़ी क्रेजी हैं कि भैया अब महिंद्रा कंपनी उतरने वाली, तो मज़ा आएगा क्योंकि TVS 16 बजाज तो आ गई हैं, अब इनके कॉम्पिटिशन में महिंद्रा भी उतरने वाली है, तो उनको काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाली है महिंद्रा कंपनी, क्योंकि हमेशा कॉम्पिटेटिव प्राइस रखती है, एग्रेसिव प्राइस रखती है, ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि आनंद महिंद्रा जी तो हमेशा लोगों के फ़ायदे की बात करते हैं, वो बात अलग है, कभी कभी उनको पॉलिटिक्स के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। तो खैर ये तो देखने की बात है, क्योंकि इस चीज़ में बहुत बोला जाए तो 1-2 घंटे बोल सकता हूँ मैं। खैर मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जो महिंद्रा का आने वाला है। तो अगर आपको अपडेट रहना है इसके बारे में, अगर रहना है तो यहाँ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी से आपको डेली बेस पे अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आप तो सोच रहे हो कि भैया सब्सक्राइब तो कर लें मगर हमें डेली बेस पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, क्योंकि मैं अभी भी डेली बेस पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को सब जगह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग इस मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट हो। मैं इसी मार्केट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात मैं फिलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा थोड़ा है इंटरेस्ट इसमें पॉलिटिक्स मर्ज करने का, ताकि आप लोगों को और मज़ा आए, दोनों को मर्ज करके दिखेंगे, मज़ा आएगा। और बताना कि अगर पॉलिटिक्स और ऑटोमोबाइल को मिक्स करें तो कैसा रहेगा। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है किसी बाइक को लेके, गाड़ी को लेके, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम DM में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दूँ, तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, ताकि आप लोगों को एक वीडियो मिल जाए डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, वो भी कम से कम समय वाली, मतलब कम से कम समय में आप वो वीडियो देख लो और इन्फॉर्मेशन सारी ले लो सारी, और आपके जब मन गए तब दोबारा देख लो, क्योंकि पड़ी जाएगी तो क्या दिक्कत है, जब मन गए देख लो। और अगर आप लोग की थोड़ी श्रद्धा हो या आपका मन करे या लोगों को भी ध्याना चाहिए तो शेयर भी कर देना, क्या दिक्कत है। इसीलिए बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मीटर लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब। तो मतलब मैं भी टेक केयर।